ओके सो पिक्सर ट्रेलर तो हमने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट डेफिनेटली जानना चाहेंगे आप दोनों को क्या इंटरेस्टिंग लगा जो आपने डिसाइड किया कि पिक्सर करना है सीरीज। मसाला मुझे ये शो में जो मसाला है वो बहुत पसंद है, मुझे ये शो में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत मज़ा है। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मुझे लगा कि अरे यार इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, सो इट्स लॉट ऑफ फन, देर इज़ लॉट ऑफ फन इन द एंटायर शो, इट्स अ वेरी मतलब बहुत फनी लेवल पर, ह्यूमरस लेवल पर इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है। मुझे भी जैसे कि शब्बे ने बोला मसाला एंटरटेनर है ये, तो मैं एक बैलेंस बनाना चाहती हूँ कि मैं सीरियस काम भी बहुत कर रही हूँ, मैं एंटरटेनिंग काम भी करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है वो बैलेंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब सीरियस काम करते हो तो आप थोड़ा सा यू नो उस माहौल में रहते हो, फिर जब आप ऐसी फिल्म्स करते हो तो आप डिफरेंट माहौल में रहते हो, तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर है, तो मुझे था कि मैं करूँ। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली ऑल्ट बालाजी, बालाजी एंड जी फाइव दोनों के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ और दोनों इस बार फिर से हैं, तो दैट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अमेजिंग कास्ट एंड इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट। माही ने ऑल्ट बालाजी का नाम लिया था, शब्बीर आपसे जानना चाहेंगे वाज दिस आल्सो वन रीजन जो आपने डिसाइड किया कि ये सीरीज करनी है? ऑफ कोर्स, मतलब दे आर लाइक फैमिली, इतने सालों से मैं बालाजी के साथ एसोसिएटेड हूँ, उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा है। आप यूनिट में पहुँचने से पहले आपको पता है कि मतलब सारे दोस्त यार, सारे टेक्नीशियंस वही लोग होंगे जो इतने सालों से आपसे मिल रहे हैं, कुछ कुछ लोग नए आते हैं, कुछ कुछ ये होता है, सो जो कम्फर्ट फैक्टर है ऑल्ट के साथ वो सब करने में ऑब्वियसली इट रियली रियली हेल्प्स। मुझे शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि टिशू से डायरेक्शंस नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है एकदम से, बट मज़ा आया, जैसे कि मैंने बोला टिशू सर और बाकी पूरी कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और टिशू सर के साथ हमेशा मैं आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम ऑल द टाइम। शब्बी आप बताइए कैसा रहा, कैसे हैं वो एज अ पर्सन जब अगर हम बात करें, क्योंकि आप भी उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। बेहतरीन, दैट इज़ वर्ड। सो बहुत 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 ही मज़ेदार इंसान है टिशू सर, वो मज़ाक किया है और उनका जो मजाक करने का लहजा है वो अलग ही है, एंड इट्स लॉट फन। ही इज़ अ उनके साथ सीन करते हुए पता ही नहीं चल रहा है कि पता ही नहीं चलता कि आप सीन कर रहे हो, हंसी खुशी सब कुछ निकल जाता है, एंड ही इज़ ग्रेट कंपनी, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा एज वेल। वी स्पोक अबाउट स्पोर्ट्स, फूड, दिस दैट, लॉट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड ग्रेट फन, ग्रेट, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ एंड लॉट ऑफ फन वर्किंग विद टिशू सर, सेम विद माही। मतलब शायद कभी ऐसा मौका नहीं था कि कट होने के बाद हम हंसे नहीं साथ में, बहुत बहुत मस्ती की हम, चाहे कोई भी सीन हो, कुछ कुछ वक्त तो कट होने से पहले हम हंस देते थे और वो सीन में भी अच्छा लगता था, सो इट्स लॉट ऑफ फन। सभी पूरे कास्ट के साथ मज़ा आया शूट करने में, देयर इज ईशा, ईशा ऑल्सो इज अ ग्रेट कोस्टा, वेरी इन्वॉल्व्ड इन अ वर्क, देयर इज करिश्मा शर्मा, शी ऑल्सो इज रियली रियली फन टू वर्क विद, वरुण बडोला, रजत रवेल, अमेजिंग कास्ट, सब बहुत ही मस्त लोग हैं, सबके साथ काम करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि आप कैमरा के सामने बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आप ज़्यादा, मतलब यू आर स्पेंडिंग द एंटायर डे विद योर कास्ट, और अगर मतलब काम 19-20 हो चल जाता है, आदमी 19-20 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा बहुत ही मज़ेदार है और आपको भी बॉलीवुड में है काफ़ी समय हो गया है, तो कह सकते हैं दिग्मांशु सर के डायरेक्शन के अंदर अगर आपको मौका मिले तो आप काम करेंगे? ऑफ कोर्स, आई थिंक ही इज अ वेरी फाइन टेक्नीशियन, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मतलब गिने चुने टेक्नीशियंस में से इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, एंड ऑब्वियसली गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू वर्क विद हिम, बट एज अ को एक्टर ऑल्सो जो मज़ा आया उनके साथ काम करने में, अमेजिंग। ओके सो माही एक अलग अंदाज में नजर आ रही है, अगर आप बताना चाहें किस तरीके? शुक्र है आपने बोला है ये वाली बात कि अलग अंदाज में नजर आ रही है, वाकई अलग अंदाज है, हाँ, बिकॉज ये सिंपल हाउस वाइफ है और डोंट हैव ना सेम बात बार बार बोलूँगी तो ये सिंपल हाउस वाइफ है और नौटंकीबाज है और
पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है, अपने उसका अपना पति को धर्म मानती है और घर को फिक्स करती है, तो उस तरह का ये कैरेक्टर है. मतलब बाकी सब बहुत दिग्गज फिक्सर है, ये छोटी सी फिक्सर है. आप बताइए शब्बीर किस तरीके का कैरेक्टर? ये एक इंस्पेक्टर है, बहुत ईमानदार इंस्पेक्टर, और बाद में कुछ वजह से इन्हें फोर्स छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद जो इनके लाइफ में होता है और जो ये दूसरों के लोग दूसरे लोगों के लाइफ में जो ये करता है, उस किस्म का किरदार है. एंड देर इट्स अ जर्नी ऑफ अ कॉप ऑल्सो, वेयर यू गेट टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम एंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग एंड या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रोल. माही, जैसे कि आपने कहा यू नो बहुत ही सिंपल सी है, तो रियल लाइफ में भी माही वैसी है या कुछ अलग? सी इट डिपेंड करता है मुझे, मैं सिंपल हूँ इन द सेंस के हूँ, लेकिन मैं बिंदास तब होती हूँ इफ़ आई नो द पर्सन रियली वेल एंड आई कैन कनेक्ट. जैसे कि मेरी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसका बर्थडे है, तो वो मुझे हमेशा बोलती है कि तुम बहुत मिस्टीरियस हो, यू नो, तो आई एम वेरी मिस्टीरियस एंड आई लाइक बींग लाइक दैट. बट ये नहीं होता कि मिस्टीरियस हो तो आप सिंपल नहीं हो. मैं कई चीज़ों में सिंपल हूँ, सिंपल आई डोंट नो किस वे में सिंपल, इन द सेंस दैट सिंपल कैसे, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता. द थिंग इज डायनामिक, देयर इज डायनामिज्म. मतलब नेसेसरी नहीं कि एक इंसान अगर सिंपल हो तो बोरिंग हो. सिंपलिसिटी में भी देर इज़ फन, देर इज़ एक्साइटमेंट, यू देर माइट बी लाइक अ मिस्ट्री कि देर आर सम थिंग्स दैट यू मे नॉट बी सिंपल एट, बट इवेंचुअली इन टोटैलिटी जब आप देखो तो जब एक इंसान चिल होता है ना, कि उसे चिल करना पसंद है, तो सिंपल लाइफ है. मुझे लगता है कि आप किसी की बुराइयाँ मत करो लाइफ में. अगर आपने किसी को कुछ बोला, मुँह पर बोल दो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हो ना, तो आप फिक्सर हो. सीरियसली, देर इज नो अदर वे कि आप हिंदुस्तान में रहकर कोई फिक्स करना ना चाहो. राशन के लाइन से लेकर, स्कूल के फीस से लेकर, एडुकेशन से लेकर, ट्रेन में घुसने से लेकर, हर चीज़ में फिक्स की ज़रूरत पड़ती है. ये होता है कि अलग लेवल का फिक्स होता है. फिक्स सब करते हैं. आपने भी अपना इंटरव्यू पहले कराने के लिए कुछ तो फिक्स किया होगा. तो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड और किस लेवल का फिक्स है. मैं बहुत चीज़ें फिक्सिंग कर लेती हूँ. भैया प्लीज़ कर दो, ये काम कर दो प्लीज़ कर करके. जैसे जब मैं चंडीगढ़ में थी, तो उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो हम ट्रिपली मारते थे, ट्रिपली का चलान होता है, अलाउड नहीं होता. तो मैं अंकल्स को बोल के कि आज हमारा बर्थडे, प्लीज़ अंकल जाने दो, छोड़ दो ना प्लीज़. तो वो सब मैंने बहुत फिक्स किया उस समय. ट्रैफिक कॉप्स का मैंने बहुत फिक्स किया. आई थिंक आई मिस द लोग, यस, कास्ट, दे वर अमेजिंग. आई थिंक द लास्ट टू डेज जो हम लोगों ने कुछ पूरी कास्ट वहाँ थी, जो हमने एंजॉय किया उस दिन, इट वाज अमेजिंग. पिकनिक हो रही थी, मतलब पिकनिक के बीच में फुटेज निकल गया. ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे, कब देखने मिलने वाला है आपके फैंस को? 7th अक्टूबर को फिक्सर स्ट्रीम होने जा रहा है ऑल्ट बालाजी और Z5 पर. प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. हाँ, प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत कुछ देखने मिलेगा. तो डाउनलोड कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर. बहुत मज़ेदार शो है, मसालेदार शो है, एंटरटेनिंग शो है. एंड हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट डाला है, इन्जॉय करते वक्त. आप लोग भी ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच.